यार देख, बॉयल्स लो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, इसमें डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, तो इसमें पी वर्सेस वी ग्राफ कैसा होगा? तो देखो, अगर मतलब टेम्परेचर जीरो है, देखो अगर डेल्टा टी जीरो है मतलब कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो उसमें पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, ठीक है, और इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में पी वी कॉन्स्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब अगर पी वी कॉन्स्टेंट है तो इसका क्या मतलब होगा, इफ वी विल इंक्रीज द प्रेशर वॉल्यूम अपने आप डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है। तो इससे अपने को क्या पता लगता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। तो फिर इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो अपने को पता है y इफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो ये बनाता है हाइपरबोला। तो p वर्सेस v ग्राफ इज अ हाइपरबोला, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, अगर अपने अपने को पता है पी वी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और अगर अपने को दे दिया p वर्सेस 1/v ग्राफ बनाइए, तो अपने को पता है प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है v के, और अगर वो मतलब भी सीधा 1/v के साथ ही बना रहे हैं तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो फिर 1/v का ग्राफ क्या बनेगा, वो बनेगा एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक है। फिर जो अगला ग्राफ है पी वी वर्सेज पी, अब देखो पी वी वर्सेज वी के बारे में बता रहा हूँ। अपने को पता है पी वी है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो ये कांस्टेंट कर दो बस, ठीक है। मतलब कि प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने, अब देखो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम है वो अपने आप डिक्रीज करेगा, सो इट्स अ कांस्टेंट टर्म, प्रेशर इंक्रीज करने का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, पी वी है वो कांस्टेंट ही है, ठीक है। अब एक जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लॉग पी वर्सेस लॉग वी, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। ये देखो हम अपने को पता है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, और पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, तो इधर लिखेंगे हम लॉग पी इज इक्वल टू, इधर हम के कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, लॉग के माइनस लॉग वी, ठीक है। तो अपने को यहाँ से क्या पता लग रहा है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करेंगे जब, तो सी तो ये वाला है और ये लॉग वी है वो ये वाला है, तो ये माइनस टर्म है, स्लोप नेगेटिव होगी ऐसे, लॉग वी वर्सेस लॉग पी, ठीक है। तो ये तो सारे ग्राफ हो गए। अब ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ के बारे में। चार्ल्स लॉ के अंदर क्या होता है कि अपना जो आइसोबारिक प्रोसेस होता है चार्ल्स लॉ, ठीक है, तो इसमें वी ओवर टी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें जो है ग्राफ वी वर्सेस टी का क्या बनेगा, सो वी वर्सेस टी विल बी, अगर अपने को पता है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है इसके थ्रू, तो वी और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सो व्हाट विल बी द ग्राफ वी वर्सेस 1/t, तो 1/t का क्या मतलब हो गया कि ये हमसे अपने से पूछ रहा है कि ये 1/t का ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, है ना। फिर अपने पास है गे-लुसैक लॉ। अब गे-लुसैक लॉ के अंदर क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, ठीक है, तो इसमें पी वर्सेस वी ग्राफ क्या होगा, सो वी इज मतलब कि वी का जीरो होता है, तो पी वर्सेस वी ग्राफ तो सीधी लाइन आ जाएगी ऐसे, ठीक है, क्योंकि दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस।